हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बेसिकली फिज़िक्स क्लास 11th का जो टर्म वाइज सिलेबस आया है, टर्म वन में क्या चीज़ें आएंगी और प्रैक्टिकल्स जो टर्म वन में होंगे, प्रैक्टिकल्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि भाई फाइनली एनुअल एग्ज़ाम्स में ही प्रैक्टिकल के ओवरऑल मार्क्स दिए जाते थे, लेकिन अब क्या है, टर्म वाइज आपका थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी डिवाइडेड है। और टर्म वाइज कौन से प्रैक्टिकल्स हमारे सिलेबस में हैं, क्या उनका मार्क्स हैं, एक्टिविटीज़ कितनी हमको करनी है उसके अंदर, टर्म वन में, टर्म टू में, ये मैं सारा डिटेल में बताऊंगी। तो आप वीडियो को एट द एंड तक वॉच करते रहें। सबसे पहले हम थ्योरी के बारे में बात करते हैं। सो थ्योरी में जो टर्म वन का सिलेबस है उसको मैं पहले डिस्कस करने वाली हूँ। टर्म वन में कौन कौन सी यूनिट्स आनी हैं और चैप्टर्स कौन से आने हैं। सो वन एंड अ हाफ आवर का आपका पेपर होगा और मैक्सिमम मार्क्स 35 मार्क्स जो टर्म वन का आपका पेपर होगा फिज़िक्स का क्लास 11th का। यूनिट नंबर वन दैट मीन्स चैप्टर नंबर वन अगर एनसीईआरटी से देखें, फिज़िकल वर्ड आएगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट दिस इज़ चैप्टर नंबर टू, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज़ चैप्टर नंबर थ्री, मोशन इन अ प्लेन चैप्टर नंबर फोर, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशन। सो वन टू एट ध्यान रखना, चैप्टर वन टू एट एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट। तो फिज़िक्स एनसीईआरटी क्लास 11th में 1 to 8 चैप्टर्स आपके फर्स्ट पार्ट में ही हैं। अगर आप एनसीईआरटी फिज़िक्स को देखते हैं तो चैप्टर नंबर वन फिज़िकल वर्ड से स्टार्ट करके ग्रेविटेशन तक पहले पार्ट में गिवन है। देन बाकी जो चैप्टर्स हैं फ्रॉम 9 to chapter number 15 वो सेकंड पार्ट में गिवन है। तो बस ये ही समझ लीजिए कि जो फिज़िक्स एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट है वो पूरा टर्म वन में आएगा और जो सेकंड वाला पार्ट है फिज़िक्स एनसीईआरटी क्लास 11th का वो टर्म टू में आएगा। तो अगर हम देखते हैं चैप्टर वाइज तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 कम्बाइंड मिला कंप्लीट मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5 दैट इज़ ऑफ 20 मार्क्स, यानी कि ये 5 चैप्टर हमारे 20 मार्क्स में हैं। देन उसके बाद में वर्क पावर एनर्जी, देन रोटेशनल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो आपका चैप्टर है, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी जिसको बेसिकली बोलते हैं रोटेशनल मोशन, और ग्रेविटेशन मिलाकर ये पूरा जो है हमारा कॉन्टेंट जो है ये 15 मार्क्स का है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्क्स यहाँ पे चैप्टर वाइज जो है जितने भी चैप्टर्स के कम्बाइनली कितने हैं वो दे रखे हैं। तो मैं फिर बता देती हूँ, 1 to 5 20 मार्क्स एंड देन 6, 7, 8 15 मार्क्स। ओके, अब थोड़ा सा हम देखते हैं इसके अंदर जो सिलेबस है हमारा। तो अगर हम सिलेबस देखते हैं, सिलेबस फिज़िकल वर्ड में क्या है, तो फिज़िक्स स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिज़िकल लॉज, फिज़िक्स की डेफिनेशन, टेक्नोलॉजी से फिज़िक्स का रिलेशन, एंड उसके अंदर कुछ बेसिक थोड़े थोड़े से टॉपिक्स और टीचर डिस्क्राइब कर सकते हैं इन रिलेशन टू ऑल दीज टॉपिक्स। देन यूनिट्स एंड मेजरमेंट, देन काइनेमेटिक्स पूरा 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन। सो आप चाहें तो इस सिलेबस का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो आई विल प्रोवाइड यू द लिंक जिससे आप कोई भी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ की फॉर्म में। सो जहाँ डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, इस वीडियो का, वहाँ पर मैं लिंक प्रोवाइड करूँगी और उस लिंक पे आप क्लिक करके जो भी आप कॉन्टेंट, जो भी सिलेबस देखना चाहते हैं वो आप ईजीली देख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट आपका क्या है, देन लॉज ऑफ मोशन, ये आपका सिलेबस है डिफरेंट चैप्टर वाइज जो है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लॉज ऑफ मोशन एंड देन वर्क एनर्जी पार। सो फ्रॉम फिज़िकल वर्ल्ड टू अप टू लॉज ऑफ मोशन, ये आपके जो 5 चैप्टर्स हैं ये 20 मार्क्स के हैं टर्म वन के सिलेबस में। देन लास्ट के 2-3 चैप्टर्स हैं वर्क एनर्जी पार, देन रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशन, ये आपके 15 मार्क्स के हैं, ये 15 मार्क्स के हैं, तो टोटल 35 मार्क्स हो गया। अब हम टर्म टू का थ्योरी वाला सिलेबस देखें। सो टर्म टू का जो थ्योरी का सिलेबस है उसमें कौन से चैप्टर्स आते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था, सेकेंड पार्ट ऑफ एनसीईआरटी।
अब सेकंड पार्ट में क्या है, चैप्टर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 टोटल चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, तो 9 to 15 ये टर्म टू का सिलेबस है। टर्म टू का जो सिलेबस है अगर इसको देखें तो चैप्टर 9, 10, 11, 12, 13 कंप्लीट ये चैप्टर्स यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 फाइव चैप्टर्स कम्बाइनली दैट इज़ ऑफ 23 मार्क्स। देन लास्ट में जो दोनों चैप्टर्स हैं वेव्स एंड ऑसिलेशन, इसको एक यूनिट भी बोलते हैं, तो यूनिट नंबर 10। सो आपके पास यूनिट नंबर 10 दैट मीन्स वेव्स एंड ऑसिलेशंस, इसका जो वेटेज है दैट इज़ ऑफ 12 मार्क्स, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दो चैप्टर्स जो हैं वो आपके 12 मार्क्स का कंटेंट है। अब इसके बाद में हम देखेंगे, ये भी 35 मार्क्स हो गए, देखो 23 प्लस 12, सो टोटल कितना हो गया 35 मार्क्स। और ये जो पेपर होगा उसके बारे में भी मैं डिटेल में एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि पेपर आपका टर्म वन और टर्म टू से रिलेटेड भी। अब यहाँ पर ये सिलेबस है, दैट मीन्स चैप्टर नंबर 9 के अंदर क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, यंग्स मॉडल्स, बल्क मॉडल्स, अब इसमें शेयर मॉडल्स और काफ़ी चीज़ें जो हैं और फर्दर होती थी वो मुझे लगता है ये डिलीट कर दिया इस बार CBSE ने। तो देख सकते हैं आप यंग्स मॉडल्स, बल्क मॉडल्स सिर्फ इतना ही मैंशनड है। देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, इसके अंदर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 11, दिस इज़ चैप्टर नंबर 11, ओके। उसके आगे देखें, देन चैप्टर नंबर 12 इज़ व्हाट, थर्मोडायनेमिक्स। सो थर्मोडायनेमिक्स में कार्नोट इंजन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता था, वो कार्नोट इंजन डिलीटेड है। सो थर्मल इक्विलिब्रियम, डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, ज़ीरोथ लॉ, थर्मोडायनेमिक्स, हीट वर्क, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, सो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं डिलीटेड हैं थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन NCERT में वो गिवन है। तो मैं जल्दी ही वीडियो शेयर करूँगी अपने चैनल पे जिसमें मैं 11th और 12th की जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं क्लास 11th के फिज़िक्स में, कौन से टॉपिक्स हैं जो डिलीट हो चुके हैं लेकिन बट दे आर प्रेजेंट इन द NCERT, तो आपको पता होना चाहिए कि वो डिलीट हो चुके हैं। सो डिलीटेड सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक्स डिलीटेड हैं, उसके लिए जल्दी ही वीडियो शेयर करूँगी। अभी आप चाहें तो इन चैप्टर्स वाइज जो भी कंटेंट है ये, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ प्रैक्टिकल, सो प्रैक्टिकल से रिलेटेड देखें तो प्रैक्टिकल हमारा जो टर्म वन का आएगा और टर्म टू का आएगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, वो भी 15-15, यानी कि टोटल पहले 70 मार्क्स की थ्योरी और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। सो उस प्रैक्टिकल को भी दो पार्ट में, टर्म वन टर्म टू में डिवाइड कर दिया गया है। टर्म वन का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 15 मार्क्स का, टर्म टू में भी 15 मार्क्स। अब इसमें क्या करना है, 4 प्रैक्टिकल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है लैब मैनुअल में। तो जो 4 प्रैक्टिकल्स हैं उनका रिकॉर्ड मतलब लिखने हैं हमें लैब मैनुअल में, और एक्टिविटीज़ को टीचर डेमोंस्ट्रेट करेंगे। आपको परफॉर्म नहीं करनी होगी एक्टिविटीज़, बट यू हैव टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द एक्टिविटीज़, यानी कि एक्टिविटीज़ को भी आपको लिखना होगा और उसका रिकॉर्ड रखना होगा जो सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एग्ज़ाम एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म करके दिखाने होंगे, 2 एक्सपेरिमेंट, 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, बट एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करनी होंगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। एक्टिविटीज़ सिर्फ टीचर डेमोंस्ट्रेट करेंगे, आपको सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। एंड वाइवा होगा ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स एंड द एक्टिविटीज़, जो भी आपने एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं उनके बेसिस पे वाइवा होगा। तो अगर इसको थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन में देखें, सो 4 प्रैक्टिकल्स हमें अटैम्प्ट करने हैं, काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स हैं जिसमें से हम चॉइस करके एनी 4 प्रैक्टिकल्स को, एक्सपेरिमेंट्स को जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। वो टीचर जो है अकॉर्डिंगली रिस्पेक्टिव आपके स्कूल्स में कराएंगे आपको, और एक्टिविटीज़ जो भी उन्हें डेमोंस्ट्रेट करानी होंगी आपको। सो लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम 2 एक्सपेरिमेंट करने होंगे, 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, राइट, जो भी उसमें होगा। दैट मीन्स आप शॉर्ट में बस इतने सोचिए कि 4 एक्सपेरिमेंट करने हैं परफॉर्म, उनमें से ही 2 एक्सपेरिमेंट आ जाएंगे एग्ज़ाम में। देन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, दैट मीन्स लैब मैनुअल जो मेंटेन करनी है उसके अंदर एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटीज़ आपको दोनों लिखने होंगे। वाइवा होगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज़। सो 8 मार्क्स के प्रैक्टिकल हो गए, 4 प्लस 4, 2 प्रैक्टिकल्स। देन उसके बाद में 2 मार्क्स का जो आपने रिटन रिकॉर्ड रखा हुआ है, तो प्रैक्टिकल लैब मैनुअल के जो हैं वो 2 नंबर हो गए।
देन वाइवा और एक्टिविटीज़ जो 5 मार्क्स, तो टोटल हो गया कितना 15 मार्क्स। अब एक्सपेरिमेंट कौन से हैं जो टर्म वन के आपको देखने हैं, और इसमें से एनी 4 एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म करने होंगे, वो तो टीचर कराएगा। सो ये आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर भी मैं जल्दी ही वीडियो शेयर करूँगी, ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके से लैब मैनुअल में लिखने हैं और प्रॉपर कैसे फाइल मेंटेन कर रही हैं प्रॉपर रीडिंग्स के साथ में, वो मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। तो ये एक्सपेरिमेंट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, एंड दीज आर द एक्टिविटीज़ फॉर द टर्म 1, टर्म 1 के लिए। सेम इसके अंदर अब टर्म 2 का जो प्रैक्टिकल है, जैसे टर्म 1 का आपका प्रैक्टिकल था फिजिक्स का, मैंने अभी बताया, सेम ऐसे ही है। 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं, जिनका रिकॉर्ड भी रखना है। एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करनी है, टीचर ओनली डेमोंस्ट्रेट करेगा। तो यहाँ भी सेम जो सेकंड पार्ट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, वो भी बिल्कुल उसी तरह से कि 8 मार्क्स के जो है प्रैक्टिकल, 4+4 टू प्रैक्टिकल्स, एंड देन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड लैब मैनुअल मेंटेन करने के आपके 2 नंबर होंगे, वाइवा जो होगा और एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे 5 मार्क्स का। और ये जो टर्म 2 के प्रैक्टिकल्स हैं वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ 1, 2, 3 हैं इस पर, नेक्स्ट वाले आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हैं 4, 5, 6, 7। सो इनमें से एनी 4 जो भी आपका टीचर कराएगा आपके स्कूल में, सो 4 प्रैक्टिकल्स जो हैं वो हमें करने होंगे, और एक्टिविटीज़ टीचर डेमोंस्ट्रेट करेगा एनी 3 एक्टिविटीज़। सो दीज आर द एक्टिविटीज़ ऑफ टर्म 2। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, यानी कि थ्योरी भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, टर्म 1 के लिए फर्स्ट पार्ट ऑफ NCERT, टर्म 2 के लिए सेकेंड पार्ट ऑफ NCERT। प्रैक्टिकल भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, टर्म 1 के लिए अलग है, टर्म 2 के लिए अलग है, 15 मार्क्स एंड 15 मार्क्स। आपको होपफुली सारी चीज़ें जो मैंने डेमोंस्ट्रेट की हैं, ये चीज़ें समझाई हैं वीडियो की हेल्प से, वो समझ में आई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। और मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है सिलेबस डाउनलोड करने के लिए, और सिर्फ फिज़िक्स का नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट का उस लिंक का यूज़ करके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल था, और या आपको और किस टॉपिक पे जो है कन्फ्यूज़न है जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।